नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। फिरोजाबाद थाना लाइनपार क्षेत्र नगला गिरधारी निवासी 18 वर्षीय रोहित पुत्र वीरभान को रात्रि में गोली लगने से मृत्यु हो गई। आज सुबह पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां उसके परिजनों में भाई हरेंद्र ने बताया कि ये लालपुर निवासी अपनी मौसी के देवर की शादी में थाना खैरगढ़ के गाँव फतेहपुरा में गया था, जहां हर्ष फायरिंग में गोली लगने के कारण उसकी मौत हो गई और एक अन्य घायल है जिसका इलाज लक्ष्मी फाउंडेशन हॉस्पिटल में चल रहा है। मृतक के परिजनों ने थाना खैरगढ़ में सूचना दी। थाना प्रभारी खैरगढ़ अनूप कुमार भारती ने बताया कि गोली मारने वाला व्यक्ति फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम शरण यादव है। जो जो हादसा हुआ है वो कौन है आपके? वो मेरे चाचा का बेटा है। किस तरीके से हादसा हुआ? ये एक प्रोग्राम में गए थे अपनी मौसी के लड़के की शादी में। कहाँ के निवासी हैं? नंगला गिरधारी के निवासी हैं। तो क्या वहाँ किस तरह की घटना वारदात हुई है? वहाँ वारदात लड़की पक्ष से उसके परिवार से ही कोई है लड़का, उसने वीडियोग्राफर से कोई बातचीत हुई है उनकी, तो उसमें झगड़े की स्थिति बनी है। झगड़े की स्थिति में उसने लाइसेंस ही अपनी डबल बैरल से गोली मार दी है। कब की घटना है? कल रात की। पिता का क्या नाम है? वीरभान सिंह। थाना कौन सा लगता है? लाइन पार। आपको किसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी? जो उसके साथी था, जो एक लड़का घायल है अभी, उसका उपचार चल रहा है, उसके माध्यम से। कल थाना रसूलपुर के लालपुरा गांव से एक बारात गई थी। ये रात में करीब 12 बजे का मामला है। बारात के दौरान जो वीडियोग्राफर था, सत्येन नाम का व्यक्ति, वो वीडियोग्राफी कर रहा था, बैठ के वीडियोग्राफी कर रहा था। उसमें एक दूसरे सत्येन नामक व्यक्ति, जो लाइसेंसी अपनी DVVL लिया था, उसने उसको टोका कि तुम बैठ के वीडियोग्राफी क्यों कर रहे हो। इस बात पे उनकी कहा सुनी हुई और उसने फिर फायर कर दिया। फायर जो उस एक तो वीडियोग्राफर के बाएं पैर में लगी और एक वहीं पे रोहित लड़का खड़ा था उसके दाहिने पैर में लगी। दोनों इंजर्ड को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रोहित की इंजरी जो पैर में थी उससे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। इसमें जो रोहित के घर वालों ने उस सत्येन नामक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं, वो तहरीर दे रहे हैं वो, और इसमें उसकी तलाश की जा रही है। घर से भगा हुआ है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसका जो लाइसेंसी शस्त्र है उसको निरस्त करते हुए उसको कब्जे में लिया जाएगा। धन्यवाद सर।